हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक बर्ब। ओके डियर स्टूडेंट्स, बर्ब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे बर्ब में बी किस बर्ब को फॉलो किया जाता है, हैव एंड डू। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ये बी ब्रैकेट में बी करके रिव्यू दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि करेक्ट द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब, और इस तरीके से बी आ जाता है, तो आपको इज आर एम वॉज वर्ब में से कुछ एक फिल करना है। ओके फिर अगर आ जाता है आपका हैव, तो आपको हैव हैव और है। स्टूडेंट्स इसमें जो हैज होता है वो आपका सिंगुलर के लिए और है प्लूरल के लिए, और है सिंगुलर प्लूरल का ये पास्ट होता है। ओके और कभी कभी क्या होता है कि ब्रैकेट में डू दे दिया जाता है। ओके तो इसका मीन्स इधर होता है डू डज और डिड। इन सिंपल प्रेजेंट द सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज डज एंड प्लूरल carry the do and past did। okay अब next आपका आता है जो आपके syllabus में है class 8 में regular verb। तो what are the regular verbs? देखिए regular verbs are the verbs that is end with past and past participles ed। such types of verb ended with ed। okay तो जैसे asked हो गया और suppose that saved and saved। okay इसके बाद आता है आपका irregular verb। irregular verb क्या होती है? irregular verb में कोई भी form नहीं होती है, या तो different होती है या तो same जो है ना formula से होती है। जैसे put। okay जैसे rise rose and rider। okay अब आप कहते हैं finite और non finite। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट फॉर द क्लास 8, finite and non finite। finite द वर्ड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द finite verb, एंड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड non finite verb। okay तो finite verb इसको हम कह सकते हैं ही takes tea every day। तो इधर ये takes है ना, ये finite verb है। क्यों? क्योंकि ये he से क्या हो रहा है, यहाँ control हो रही है। तो such verbs which is controlled by subject is called as finite verb। okay so what is non-finite verb? what is non-finite verb? non-finite verb are not controlled by the subject, so there are three types। okay participles, infinitives and gerunds, right? participles, infinitive and gerund। participles are three types here: present participle, past participles and perfect participle। okay present participle, past participle and present perfect participle। okay present participle क्या होता है? verb first में ing, verb first में ing लगाने से क्या बनता है? present participle बनता है। okay जैसे मैं कह दूँ seeing the snake I was afraid, तो see में ing लगाने से क्या बन जाता है? present participle। past participle कैसे कहते हैं? verb की third form। okay कैसे कहते हैं? verb की
थर्ड फॉर्म, राइट। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, ओके। इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये क्या होता है, इंफिनिटिव होता है, राइट। जीवन क्या होता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वो जीवन होता है। अच्छा, जीवन में और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है जरा देखिए, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होता है और जीवन भी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होता है। तो देखिए ये किसका काम करता है, ये करता है वर्ब नाउन का काम, किसका काम करता है, वर्ब नाउन का, और ये किसका करेगा, वर्ब एडजेक्टिव का, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जीवन किसका काम करता है, आपका वर्ब नाउन, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका वर्ब का टॉपिक। अब एक्सरसाइज आपको एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक में करा दी जाएगी। फिलहाल ये क्या है, ओवरव्यू है कि वर्ब्स आपके सिलेबस में क्या दी, किस तरीके से दी गई है। तो बी दिया गया है, तो इसको आपको बी को इजाज़ है, बहुत बार मान के चलना आपको। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसको जो ईडी से एंड होती है, राइट। इरेगुलर वर्ब जिसका कोई फॉर्म ही नहीं होती है, जिसके पास पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब सेकंड डिफरेंट टाइप से जो है जिनका एंड होता है। इसके बाद आपका है नॉन फाइनल वर्ब। तो नॉन फाइनल वर्ब मैंने बताया आपको कि पार्टिसिपल इंफिनिटिव और जीरंड से मिलकर ये बनता है, राइट। तो पार्टिसिपल यहां थ्री टाइप का मैंने बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब को कहते हैं एंड जीरंड वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाने को कहते हैं। अब मैंने एक डिफरेंस बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही वर्ब फर्स्ट में आईएनजी से लेकर जो है रिलेटेड होते हैं। तो जीरंड जो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होती है उसको वर्ब नाउन भी कहते हैं और इसको वर्ब एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।